गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रेमर रूल्स। क्रेमर रूल्स के बारे में, ठीक है। क्रेमर रूल्स एक्चुअली में यूज क्यों होता है? जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समथिंग लाइक दैट, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए 3 वेरिएबल पर वेरिएट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, v1x + v1y + c1z = 0, हमारे पास में 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर राइट साइड में अगर बात करें, इनके इक्वल टू की वैल्यू जो है वो 0 के है, इक्वल में है, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस की प्रॉपर्टी अगर जिसके राइट साइड में वैल्यूज इवेल्यूएट होकर 0 हो जा रही हैं, मींस क्या हुआ कि वेरिएबल के राइट साइड में अगर जो भी वैल्यू दी हुई है इक्वेशन के, अगर वो 0 के बराबर आ जाएंगे, ध्यान से देखिए, तीनों इक्वेशन में सेम प्रोसीजर है। ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। अगर बात करें हम नॉन होमोजीनियस की, तो इनमें से अगर कोई भी एक भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन या तीसरे इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से छोटी, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन टू 0 हो जा रही है, तो ऐसे इक्वेशंस को नॉन होमोजीनियस ऐसे इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक्चुअली में कोई भी इक्वेशंस अगर दिए हों हमारे पास में, तो उनसे कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलती हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर ये तीनों इक्वेशन एक्स वाई जेड के डिफर वैल्यू पर वेरिएट हो जाएंगे, मींस क्या हुआ, इनको अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास में, तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी, वाई की कोई वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू कोई आएगी। मींस क्या हुआ, अगर एक्स वाई जेड की नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, मींस वन और मोर देन वन सॉल्यूशन आ जाए, दैट मींस दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड द कंसिस्टेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द नॉन कंसिस्टेंट। अब इतना तो फिनोमेना हमारे पास में है कि कोई भी इक्वेशंस किस तरीके से वेरिएट होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्रेमर रूल के बारे में। तो क्रेमर रूल निकालने के लिए पहले प्रोसीजर क्या क्या है, कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास में कोई इक्वेशन दे दिए जाएंगे। आपके इग्नू बुक्स में एक्चुअली में जो आते हैं क्वेश्चंस, वो या तो नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस पे आते हैं, या तो नॉन होमोजीनियस पे दे देंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस पे ज़्यादातर क्वेश्चन क्रेमर रूल्स पे होते हैं कि क्रेमर रूल्स के थ्रू सॉल्व कीजिए। चलिए, क्रेमर रूल्स को नॉन होमोजीनियस के थ्रू सॉल्व करना सीख रहे हैं अभी हम,